हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी किचन पॉइंट। मैं हूं शबनम और आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूं चिकन कढ़ाई कोरमा। इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। ये हमारे पास 1 kg चिकन है, इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसकी बोटियों में हमने कट्स लगा लिए हैं ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। 3 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ले ली है और इन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। ये देखें, डालने के लिए स्पाइसेस लिए हैं हमने। ये 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 3.5 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1 teaspoon सॉल्ट है, 4 से 5 ग्रीन कार्डिमम है, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर है, 10 से 12 हमारी लौंगे हैं, 1 टुकड़ा सिनेमन स्टिक्स का है, 1/2 हमारी जायफल है और 1 पत्ता जावित्री का है, 250 ग्राम दही है और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। कढ़ाई में हमने 250 ग्राम ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं प्याज, प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक स्टिर करना है। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगी है, अब हम इसमें रेगुलर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारी प्याज प्रॉपर गोल्डन ब्राउन हो जाए, कहीं से व्हाइट और कहीं से ब्राउन ना रहे। इसमें चम्मच चलाना नहीं छोड़ेंगे, इसमें हम रेगुलर चम्मच चलाते रहेंगे। हमने चूल्हे का फ्लेम लो कर दिया है। ये देखिए, हमारी प्याज तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे प्लेट में अच्छे तरीके से फैला देंगे ताकि इसमें हवा लग जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। हम अपने तेल में अब अपने मसाले डालेंगे, गरम मसाले सारे। इसे हल्का चटकने देंगे। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। हम अपने चिकन को अच्छे से ऑयल में चला लेंगे। इसे 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे। इसमें हम अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। हमारे चिकन को 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे डालकर। हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से मिक्स हो गया है और भुन भी गया है, तब हम इसमें बाकी के अपने सारे मसाले डाल देंगे। हमने इसमें ग्रीन रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और अपना साल्ट ऐड कर दिया है। आप सॉल्ट को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। चिकन में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे भूनेंगे। तकरीबन 10 मिनट्स हम इसको भूनेंगे, जब तक मसालों में से अच्छे से खुशबू ना आ जाए। जब मसाला भुनने लगता है तो उसमें अच्छे से खुशबू आने लगती है, एक अलग ही खुशबू आने लगती है, तो हमें पता चल जाता है कि मसाला हमारा रेडी हो गया है। जब तक हमारे मसाले भुन रहे हैं, हम अपनी प्याज को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं हमारे मसाले को भुनते हुए, अब इसमें हल्की से खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसमें अपना दही डाल देंगे। इसे अच्छे से दही डालकर चला लेंगे ताकि ये ग्रेवी में मिक्स हो जाए। ये देखें, हमारे दही ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे दही के साथ भी भून लेंगे। तो जब तक हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी पूरी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। हमारा दही का पानी भी खुशक हो गया है, ये देखिए, और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम ग्रीन क्यूवी प्याज ऐड कर देंगे।
हमने प्याज को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे 1 मिनट तक और भूनेंगे। 1 मिनट हो गया है हमारी चिकन को भूनते हुए। अब हम इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर देंगे और फिर कवर करके इसे पका लेंगे। जितनी थिकनेस हमें चाहिए हम इसमें उतना ही पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1/2 ग्लास वाटर हम इसमें डाल चुके हैं। ये थोड़ा सा वाटर हमने इसमें और ऐड कर दिया। इतनी ग्रेवी काफी रहेगी हमारी सालन के लिए। मसाला भुनते भुनते ही हमारा चिकन 1/2 कुक हो चुका होता है। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट्स के लिए और रख देंगे ताकि हमारा चिकन फुल कुक हो जाए। 5 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा चिकन फुल कुक हुआ है या नहीं। हम अपना जो गैस का फ्लेम है वो 1/2 कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को पकते हुए और हम चेक कर लेंगे कि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हुआ है या नहीं। हमारे चिकन ने बोन्स छोड़ दी है, इसका मतलब ये होता है कि चिकन अच्छे से टेंडर हो गया है। फिर हम फोक से चेक कर लेते हैं। ये देखें हमारा फोक अच्छे से जा रहा है, इसका मतलब ये टेंडर हो चुका है। हमारा सालन बनकर तैयार है। इसमें 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इसे फिर से चला देंगे ताकि इसकी गरम मसाले की खुशबू इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। हमारा टेस्टी चिकन कढ़ाई कोरमा बनकर तैयार है और ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज होता है। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नई रेसिपी के साथ मैं दोबारा से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।